सरो दोस्त वेलकम बैक। आज है मेरे पास फायरबॉल ग्लैडिएटर प्रो और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक से बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको फुल मेटल बॉडी देखने को मिल रहा है जिस वजह से भाई बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है और भाई एमोलेड डिस्प्ले है जिस वजह से भाई डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छा है। और हाँ दोस्तों, फायरबोल्ट में सेम ब्रांड में सेम मॉडल में तीन वेरिएंट स्मार्ट वॉच अवेलेबल है। एक है फायरबोल्ट ग्लैडिएटर प्रो जो कि मेरे पास है, दूसरा है फायरबोल्ट ग्लैडिएटर एज। ये दोनों वॉच एकदम सेम है, दोनों में ही आपको 1.78 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन भाई प्रो में आपको 2 मेन्यू स्टाइल देखने को मिल रहा है और एज में है 8 मेन्यू स्टाइल, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों वॉचेस एकदम सेम है। और तीसरा आता है फायरबोल्ट ग्लैडिएटर प्लस, प्लस में आपको 1.96 इंच का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है विद हाई रेजोल्यूशन। उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई है, उसमें आपको 410x501 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल रहा है। फायरबोल्ट एच एंड फायरबोल्ट ग्लैडिएटर प्रो में आपको 368x448 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भाई तीनों वॉचेस एकदम सेम है, डिक्टो सेम है, बस इन्होंने कहा है कि प्लस में आपको 600 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है और एच एंड प्रो में है 500 नेट्स का पीक ब्राइटनेस। लेकिन अगर आप दोनों ही वॉचेस को कंपैरिजन करोगे तो भाई डिस्प्ले का क्वालिटी, डिस्प्ले का ब्राइटनेस दोनों का एकदम सेम है। और हाँ दोस्तों, फायरबोल्ट ग्लैडिएटर प्रो एंड फायरबोल्ट एच इसका प्राइस चल रहा है आज के दिन 1999 रुपीज और ये आपको टोटल 4 कलर में अवेलेबल है। तो लेकिन अगर आप फायरबोल्ट ग्लैडिएटर प्लस खरीदते हो तो यहाँ पर आपको लैलन और मेटेलिक स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। लैलन का प्राइस है 2400 रुपीज और मेटेलिक चेन के लिए आपको 300 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसका प्राइस हो जाता है अप्रोक्स 2700 रुपीज। और आप देख सकते हो इतने सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। और फीचर देखे तो इन तीनों ही वॉचेस में आपको फंक्शनेबल रोटेटिंग क्राउन मिल रहा है जिसके हेल्प से आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, मेन्यू अप डाउन कर सकते हो, साथ ही में 5.0 का ब्लूटूथ है, तो भाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है तीनों ही वॉचेस में। और मॉनिटर देखे तो एचआर मॉनिटर, SP2 मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर अवेलेबल है। और भाई एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए इन तीनों ही वॉचेस में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है, डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, और दो गेम्स भी है, कैलकुलेटर भी है और IP68 का वाटर रेटिंग है। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं तो ऊपर आपको फायरबोल्ट ग्लैडिएटर प्रो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और बॉस के ऊपर के साइड पूरे की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। बॉस के सराउंडिंग में सिर्फ ब्रांडिंग और अपने की फीचर्स को ही प्रिंट किया है और पीछे के साइड भी ऊपर की फीचर्स है और थोड़े ही नीचे एक QR कोड को प्रिंट कर रखा है जो कि है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का, नाम है डेफिट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और थोड़े ही नीचे ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस और इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट किया। इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। तो डब्बे को खोलने के बाद जो एक्सपीरियंस है ना ये भी काफी बढ़िया मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। ये अपना वॉच को साइड रखते हैं, देखते हैं अंदर और क्या है। तो ये पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला, पेपर वर्क देखे तो ये है बुक माई शो वाउचर, वैसे भाई मिलता कुछ नहीं है। ये है कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड, पीछे दो QR कोड है, एक है कुछ गेम का, दूसरा है रिडीम का। ये है वार्निंग, भाई आपको वार्निंग दे रहा है कि आपको फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, 10-15 वाट चार्जर का ही इस्तेमाल करना है, उससे इसका बैटरी सेफ रहेगा। और यह है फायरबोल्ट इंडियंस नंबर 1 ब्रांड, पीछे एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है, 1 ईयर का वारंटी है। और यह है इसका यूजर मैनुअल जिसके अंदर कुछ खास इन्फो नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है। और दोस्तों यह है इसका पोगो चार्जिंग केबल, लेंथ आप देख सकते हो छोटा सा है लेकिन भाई क्वालिटी में बहुत बढ़िया है क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और अभी क्लोज लुक वॉच की तरफ, सुबह वॉच का लुक काफी बढ़िया है और यहाँ पर आपको एकदम सपाट प्लेन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं कर रखा क्योंकि भाई हल्का हल्का एप्पल वॉच का क्लोन है इसलिए भाई कर्व डिस्प्ले नहीं है। और इसका स्क्रीन काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जो कि नॉर्मली है सारे वॉचेस की तरह। और वॉच का टोटल लेंथ है 45 mm, ब्रेथ है 39 mm और इसका थिकनेस है सिर्फ और सिर्फ 10 mm, काफी स्लिम है। और वॉच के साइड में जो आप इसका रोटेटिंग फंक्शनेबल क्राउन देख रहे हो ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है, साथ ही में अंदर जो इन्होंने रिंग बना रखा है इसके अंदर प्लास्टिक फिट कर रखा है जिस वजह से भाई इसका भी कलर नहीं उतरेगा, डिटेलिंग में काफी बढ़िया है। और इस बटन के साइड में आप एक और बटन देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको मेटल का ही बटन देखने को मिल रहा है और दोनों बटन के बीच में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और आप जो मैट कलर का सिल्वर फ्रेम देख रहे हो ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है जिस वजह से भाई इसका बिल्ड क्वालिटी बेस्ट बन जाता है। और वॉच के पीछे के साइड आपको फायरबोल्ट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर ही इन्होंने अपने सेंसर को और पोगो चार्जिंग पिन को फिट कर रखा है। और वॉच के दूसरी तरफ आप एक कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। स्ट्रैप देखे तो यहाँ पर आपको 23 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप देखने को मिल रहा है लेकिन भाई इसके स्ट्रैप में कोई लॉक नहीं है, बस आपको स्लाइड करना है निकल जाएगा, स्लाइड करना है घुस जाएगा।
और स्ट्रैप की क्वालिटी देखा जाए तो अब तक मैंने जो भी एप्पल क्लोन वॉच का अनबॉक्सिंग किया उन सभी के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा बेटर रबड़ का क्वालिटी देखने को मिल रहा है, जो कि कंफर्ट में काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी में भी बेस्ट बन जाता है और साथ में मेटेलिक बक्कल का भी इस्तेमाल कर रखा है। और वॉच को ऑन करते हैं यहाँ पर आपको 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और वो भी 368x448 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, जिस वजह से भाई इसका डिस्प्ले का क्वालिटी काफी अच्छा है। और आप साइड का ब्रेसलेट भी देख रहे हो, ये भी आपको थोड़ा सा मिल रहा है इस वॉच में, ज्यादा स्लिम भी नहीं है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, एवरेज बोलूंगा मैं। और कस्टम वॉच फेसेस अप्लाई करने के बाद भी आप देख सकते हो इमेज का क्वालिटी काफी अच्छा, कलर रिप्रोडक्शन काफी बढ़िया है और शार्पनेस भी ठीक ठीक ही मिल रहा है। और इसके क्राउन को घुमाकर आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो और मेन्यू अप डाउन कर सकते हो, और यही बटन है बैक और मेन्यू का शॉर्टकट, और नीचे का बटन है सिर्फ स्क्रीन ऑन ऑफ के लिए और बैक के लिए। और स्क्रीन कीपर लॉन्ग टच करके भी आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। आप जो स्क्रीन कीपर देख रहे हो इनमें से आप सिर्फ दो वॉच फेसेस अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद का सेट कर सकते हो, या फिर होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस, बाकी के वॉच फेसेस नहीं हटेंगे, वॉच वालों ने ही प्रोवाइड किया है। और वॉच फेसेस के अंदर आप देख सकते हो इस वॉच में आपको 100+ क्लाउड वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है, और भाई इन्होंने ग्रुप बना रखा है ताकि भाई ढूंढने में आसानी हो कि किस टाइप का वॉच फेसेस आपको पसंद है। और भाई क्वालिटी इसमें काफी अच्छा है, एनालॉग भी मिल रहा है, डिजिटल भी मिल रहा है। और कस्टम वॉच फेसेस देखे तो आप इस वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो जो भी आपका मन करे, लेकिन हाँ लाइव वॉलपेपर इस वॉच में सपोर्ट नहीं करता है। और आप टाइम की पोजीशन को अप डाउन कर सकते हो, और आप डेट स्लीप हार्ट रेट स्टेप को ऐड कर सकते हो या आप रिमूव कर सकते हो, और आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हो, बस इतना ही कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। कॉलिंग फीचर्स देखे तो आप वॉच की हेल्प से कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, और वॉच वाइब्रेट करता है, साथ ही में रिंगटोन भी बजता है, और वो रिंगटोन बजेगा जो कि आपने अपने फोन के रिंग में लगा रखा होगा, और भाई बहुत ज्यादा धीरे बजता है। और कॉल पिक करने के बाद आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल को म्यूट कर सकते हो, वॉच में बात करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो अपने मोबाइल में, साथ ही में आप वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हो इस वॉच में। और इवन सोशल मीडिया के कॉल को भी एकदम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है, और कॉलर का नाम भी शो कर रहा है। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद भी कॉलिंग का नोटिफिकेशन ये वॉच आपको प्रोवाइड करता रहता है। अगर आप ब्लू आइकन को क्लिक करोगे तो कॉल रिजेक्ट होगा सिर्फ वॉच से, और अगर आप रेड को सेलेक्ट करते हो तो फोन और वॉच दोनों से कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ ही में ये वॉच सोशल मीडिया के कॉल के नोटिफिकेशन को भी शो करता है, और कॉल खत्म होने के बाद मिस कॉल का नोटिफिकेशन भी बराबर आपको प्रोवाइड करता रहेगा। और वॉच का कॉलिंग फीचर देखे तो रिसेंट कॉल कुछ ऐसा दिखता है, डायल कॉल और रिसीव कॉल का इन्फो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिस कॉल का इन्फो अवेलेबल है, जो आप रेड में देख रहे हो ये है मिस कॉल। और व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर आप व्हाट्सएप कॉल यहाँ से लगाओगे तो नहीं लगेगा, नॉर्मल कॉल लगाओगे तो लग जाएगा। और डायल पैड कुछ ऐसा दिखता है, काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है, और जब कभी भी आप टच करोगे वाइब्रेट नहीं करता है, और इजिली यहाँ से डायल कॉल भी लग जाता है। फिर आता है कॉन्टैक्ट्स, तो मोबाइल ऐप की हेल्प से आप इस वॉच में मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, और सिर्फ नाम होता है, नंबर शो नहीं होता, जिस वजह से काफी ज्यादा क्लीन लगता है देखने में, और आप चाहो तो इजीली यहां से डायल कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और नोटिफिकेशन इसी होने पर वॉच वाइब्रेट करता है, डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है, और जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉच हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। और मोबाइल ऐप के नोटिफिकेशन में देखा जाए तो इस वॉच में आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट का नोटिफिकेशन मिल रहा है, सोशल मीडिया के अलावा अनदर ऐप का नोटिफिकेशन इस वॉच में नहीं है, और क्रिकेट मैच का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, नया अपडेट दिया है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पर, अभी आप सुन सकते हो कि कैसा इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और इसका माइक ना यहाँ पर है, सो आप मुंह के पास लाके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइस है, तो अभी आप सुनो कि इस नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं। और अगर आप हाथों को दूर लेके जाओगे तब भाई आवाज को ठीक से नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि भाई माइक दूर हो जाता है। और अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रख के अगर आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब सामने वाले को कैसा आवाज सुनाई देगा। और चलिए अभी एक नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यह मेरे पास हेडसेट है जो कि काफी ज्यादा नॉइस है, आप देख रहे हो मेरे बाल उड़ रहे हैं। और अभी आप सुनो कि इस नॉइस में कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और दोस्तों अगर आजू बाजू से हल्का फुल्का नॉइस आएगा तो उस नॉइस को रिड्यूस कर सकता है, बोले तो सीलिंग फैन की आवाज को, टेबल फैन की आवाज को इजीली रिड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट हवा लगेगा इसके माइक में उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो बस दोस्तों इतना ही था, आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस, उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो बस दोस्तों इतना ही था, आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। हेलो दोस्तों, अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है फायरबोल्ट ग्लैडिएटर का स्पीकर परफॉर्मेंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और हाँ, इस वॉच में आपको किसी भी तरह का कनेक्टिविटी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, रेंज से दूर जाओगे तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और रेंज में आने के बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो भाई कनेक्टिविटी बेस्ट है। और अभी आप सुनो कि क्लैरिटी एंड लाउडनेस कैसा लगा आपको इस वॉच का। आज इस वॉच में आपको 500 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी ठीक ठीक ही है, एकदम बेस्ट भी नहीं है, एकदम बर्बाद सा भी नहीं है, एवरेज बोलूंगा मैं, अबो एवरेज है।
और इस वॉच में आपको IP68 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है जो कि आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बोले तो आप स्विमिंग पूल नदी तालाब में भी इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भाई 1 मीटर से गहरा नहीं जाना है, वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है। नॉर्मली आप हैंड वॉश में नहाते वक्त वॉच का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा वॉच को। और इस वॉच की स्क्रीन में आपको ओलिफोबिक कोटिंग भी नहीं मिल रहा है, तो भाई ये होना चाहिए था। इस फीचर्स के होने से हल्का सा स्क्रैच रेजिस्टेंस बन जाता है वॉच अपना। और वॉच का राइज टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर के बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, अलग सा ही लोचा है इसमें। आप देख सकते हो अभी स्क्रीन के ऊपर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है भाई हाथ ऊपर कर रहे हो ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप हाथों को ऊपर उठा के झटके से हाथों को घुमाते हो तब हमेशा इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। और रोटेटिंग हैंड गेस्चर का भी सेम हाल है दोस्तों, इसको भी आपको झटके से घुमाना है, ये भी भाई डिस्प्ले ऑन नहीं होता अगर आप आराम से हाथों को घुमाते हो, तो झटके से घुमाना है तभी डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाएगा, कभी भी मिस आउट नहीं होता। लेकिन भाई 90 डिग्री एंगल पर इसका राइज टू हैंड एकदम परफेक्टली काम करता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ है, ठीक है ऐसे उठाओगे आप डिस्प्ले ऑन हो गया, नीचे है ऑफ कर दिया मैंने, अभी मैं फिर से आपको दिखाता हूं ऑन हो गया, देख लो दोस्तों आप। तो भाई इसका राइज टू हैंड में कुछ अलग ही पंगे है। और वॉच का म्यूजिक कंट्रोल एकदम परफेक्टली काम करता है, वॉच के हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले पॉज नेक्स्ट ट्रैक और प्रीवियस ट्रैक कर सकते हो, लेकिन भाई वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते। मोबाइल ऐप देखे तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वॉच में चार्ज कितना है। फाइंड डिवाइस में आपको ये रिंगटोन सुनने को मिलेगा जो कि आप अभी सुन रहे हो, एक ही बार बजता है, छोटा सा बजता है, और साथ ही में वॉच वाइब्रेट भी करता है। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के हेल्प से आप इस वॉच में 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है। और अदर्स के अंदर भी आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है। और यहीं पर हेल्थ के अंदर आप देख सकते हो कंटिन्यूअस हार्ट रेट एंड हार्ट रेट वार्निंग, इन दो फीचर्स को आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है क्योंकि भाई बैटरी बहुत ज्यादा चूसता है। और हेल्थ रिमाइंडर देखे तो इस वॉच में आपको सेडेंटरी अलर्ट रिमाइंडर एंड ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर अवेलेबल मिल रहा है, तो भाई काफी बढ़िया लगा। साथ ही में मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीचर्स भी अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल साइकिल, ये वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और थर्ड ऑप्शन में आप इस वॉच में गोल सेट कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितना स्टेप चलना है। यूआई बहुत ज्यादा स्मूथ है, हल्का सा भी लैग आपको इसके यूआई में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ भाई पुराना यूआई है 2020 का, जब नया नया स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ था तब का यूआई है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ नया फीचर्स नहीं ऐड कर रखा है उन्होंने, वही पुराने किसी पीटे, यूआई को भी चेंज नहीं किया है, यूआई का इंटरफेस भी चेंज नहीं किया है, वही पुराना यूआई है। और सबसे बड़ा मिसिंग फीचर्स इस वॉच में आपको फाइंड माय फोन का फीचर्स नहीं मिल रहा है। भाई ये फीचर्स की तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती ही है, चाहिए मेरे को, लेकिन नहीं है। कॉमन फीचर्स है फायरबोल्ट प्रो एज प्लस, इन तीनों ही मॉडल्स में आपको फाइंड माय फोन का फीचर्स नहीं मिल रहा है, मिसिंग है दोस्तों। और वॉच का अच्छा मॉनिटर एकदम परफेक्टली काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर और वॉच दोनों का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, एक साथ अप डाउन जा रहा है, तो इसका अच्छा मॉनिटर का एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़िया है, आप इस पे 90% ट्रस्ट कर सकते हो। रिजल्ट आपके सामने है, इस पे मैं 5 टेस्ट कर रहा हूं। और SP2 का एक्यूरेसी दोस्तों मैं क्या बताऊं, आप खुद देखो डिसाइड करो आपको कैसा लगा SP2 का एक्यूरेसी। और दोस्तों इन्होंने ब्लड प्रेशर दे तो रखा है, लेकिन भाई ये काम नहीं करता है, हमेशा नॉर्मल ही दिखाता है, तो इसके ब्लड प्रेशर के ऊपर आपको 1% भी भरोसा नहीं करना है। तो चलिए अभी एक स्टेप काउंट कर लेते हैं, स्टेप काउंट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो 401 स्टेप्स, 426 steps, once more. 445 steps, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप काउंट कर रहा है पर। सो दोस्तों अभी स्पोर्ट्स मोड का भी चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो सब कुछ है जीरो। 21 steps, once more. 44 स्टेप्स, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप काउंट कर रहा है दोस्तों, कैलकुलेट करता है सही लेकिन एक्स्ट्रा काउंट करता है हर बार। और दोस्तों अगर आप लोकेशन ऑन करके डिस्टेंस ट्रैक करोगे तो 90% एक्यूरेसी आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों इस वॉच का स्लीप एक्यूरेसी भी ठीक ठीक है, आप 5 घंटा इसे पहन के सोओगे तो 3 घंटा
चार घंटा ऐसा कैलकुलेट करता है, बोले तो डीप स्लीप को कैलकुलेट करता है। और कैलोरी बर्न भी वॉच से काफी अच्छा, आप इस पे 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और अभी क्लोज लुक वॉच के यूआई की तरफ ऊपर के साइड स्लाइड करने पर यहाँ पर आपको डेट और बैटरी का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ, ये नोटिफाई करता है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं। इसके बाद है वाइब्रेशन, फिर है फ्लैश, मूवी मोड, ब्राइटनेस कंट्रोल, वेदर सेटिंग्स के अंदर है डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर है ऑटो स्लीप, यह है स्क्रीन ऑन टाइम, मिनिमम है 5 सेकंड्स, मैक्सिमम है 30 सेकंड्स। बैक आने के बाद फिर आता है मेन्यू व्यू, तो यहाँ पर आपको दो मेन्यू व्यू अवेलेबल मिल रहा है। लिस्ट आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है, इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि भाई नाम लिखा है क्या फंक्शन है। और दूसरा है हनीकॉम मेन्यू, भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, फेमस मेन्यू है, काफी ज्यादा कलरफुल है, आप देख लो आपको कौन सा पसंद है। फिर आता है ब्राइटनेस, वॉच फेसेस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बैक आने के बाद फिर आता है वाइब्रेशन एंड रिंग, और यहीं पर ही पहला ऑप्शन है मोड, यहाँ से आप वाइब्रेशन एंड रिंग या फिर आप टोटल म्यूट कर सकते हो। और इसके नीचे है वाइब्रेशन, यहाँ पर आपको दो एडजस्टमेंट अवेलेबल मिल रहा है। बैक आने के बाद फिर आता है लो पावर मोड, इसे ऑन करोगे तो वॉच में कॉल मैसेज कुछ भी रिसीव नहीं होगा, यहाँ तक कि हैंड गेस्चर भी ऑफ हो जाता है। फिर आता है थिएटर, इसे ऑन करोगे तो ब्राइटनेस लो पे आ जाता है और वाइब्रेशन ऑफ हो जाता है। फिर आता है फोन कॉल, यहाँ से आप कॉलिंग फीचर्स को ऑफ कर सकते हो। ऑडियो ब्लूटूथ, इससे क्या होगा अगर वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है और आप फोन में कुछ भी एक्टिविटी करो, यूट्यूब वीडियो देखो, रील देखो, गेम खेलो, तो आवाज वॉच से आता है, इसे ऑफ करोगे तो आवाज फोन से आएगा। फिर आता है कॉल रिसेट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको एनालॉग भी मिल रहा है, डिजिटल भी मिल रहा है, आप देख लो दोस्तों आपको कौन सा पसंद है, लेकिन बैटरी चूसेगा। फिर सिस्टम, इसके अंदर है रिस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट। बैक आने के बाद फिर आता है अबाउट, इसके अंदर है QR कोड वर्जन, और होम में आने के बाद अगर आप राइट साइड स्लाइड करोगे तो फिर आता है स्टेप काउंट, नीचे के साइड स्लाइड करने पर पूरा दिन भर का स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न और डिस्टेंस ट्रैक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। फिर आता है स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, फोन, AI वॉइस। वॉच का वेदर इन्फो काफी बढ़िया है, प्रेजेंट डे का वेदर इन्फो तो है ही, साथ ही में अपकमिंग 7 डे का वेदर इन्फो भी आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। फिर आता है ब्रीथ, स्टॉप वॉच, अलार्म, तो आप इस वॉच में सिर्फ अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हो, टाइम सेट करने के लिए आपको मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आता है शटर, फिर आता है एक्सरसाइज रिकॉर्ड, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है, काफी ब्राइट है। फिर आता है पीरियड, टाइमर, मैसेज, प्लेयर। और राइट साइड सेलेक्ट करने पर मैंने आपको जो भी ऑप्शन दिखाया, आप चाहो तो इन सारे ही ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा चाहिए, उसके बाद कौन सा चाहिए। और होम मैंने की बात, अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है, और यहीं पर ही आप 6 आइकन देख रहे हो जो कि है आपके रीसेंट एक्टिविटी, और नीचे के साइड स्लाइड करने पर ये है मैसेजेस पूरे दिन भर का, तो ये वॉच कितने लाइन के मैसेज को सपोर्ट करता है, अप्रॉक्स 7-8 लाइन के मैसेज को सपोर्ट करता है, और इसका फॉन्ट भी काफी ज्यादा छोटा है, जिस वजह से आप वॉच से ही पूरा मैसेज रीड कर सकते हो, फोन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ रिप्लाई करने के लिए आपको फोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और होम मैन की बार इसके बटन को प्रेस करने पर थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला है स्टेप, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्लीप, SpO2, ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर ही आपको सारे 100+ स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल मिल रहा है, मेन लिस्ट में उन्होंने 20 एक्सरसाइज को ऐड कर रखा है, बाकी कहां पर है प्लस में, प्लस में जाके आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को ऐड कर सकते हो मेन 20 में। फिर आता है एक्सरसाइज रिकॉर्ड, ब्रीथ, वेदर, शटर, प्लेयर, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, पीरियड, कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट, ऐप, QR कोड, गेम्स, तो आप देख सकते हो दो गेम्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। फिर आता है सेटिंग्स, सो दोस्तों सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो बस इतना सा ही है, छोटा सा UI है। बैटरी परफॉर्मेंस देखे तो इसमें है 250mAh का बैटरी, जो कि आपको कॉलिंग के साथ इजीली 2-3 डे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा 50% ब्राइटनेस पे, और विदाउट कॉलिंग अप्रॉक्स 4-5 डे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप वॉच को फोन के साथ कनेक्ट नहीं करते हो तब तो भाई अप्रॉक्स 7-10 डे का बैटरी बैकअप आपको ये वॉच प्रोवाइड कर देगा, तो इसका बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है 50% ब्राइटनेस पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करके। और इसका चार्जिंग टाइम अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वाट चार्जर से, और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 वाट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।